गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मुझे भी सोपुर जाना था लेकिन हम और कहीं फंस गए थे, नहीं आ पाए। फिर क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ रिमर्स लोग फैला रहे हैं, कुछ गलत वीडियो जारी कर रहे हैं, उससे यहाँ की पीस में सोशल या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने की संभावना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आके आप लोगों से बात करूँ। आज मॉर्निंग में 7:30 में दिल्ली की तरह जब CRP जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन सोपुर में, और जो ज्वाइंट नाका डेली होता है पुलिस और CRPF का, तो जिस टाइम में CRPF के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें CRPF के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था, वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास के मिसक्रियंट लोग हैं, और मिसक्रियंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस का SHO का बहुत मैं इसको इनक्रेज करूँगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि पिछले मैं एक महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोर में LET के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए, हम लोग बहुत ढंग से रेस्ट्रेंथ किए, वेट किए और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोवा के 2 मिलिटेंट, जैसे एक उस्मान भाई है पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया, एक भरा हुआ मैगजीन था AK का, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके आपका कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के जो इंजमिया कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीज प्लेस का यूज नहीं करे। दूसरी बात है कि मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल के मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ख़राब करना, और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो, ये जानबूझ के कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। आज मैंने जानबूझ के सोपुर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि जो इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7:30 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेम्बर का शुक्रगुजार हूँ कि जो सोपुर टाउन में है, उसका बेटा जो वीडियो रिलीज किया है, उस नगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज किया है, क्या मौका पर था? क्या वो आई विटनेस है? क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है, क्या वो वहाँ पर मौका पर थी? मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पर देखा हो, बोल सामने आए कि CRPF ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है, ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को ख़राब करने की बात है। कल रात में हम लोग होपफुल थे कि 3 मिलिटेंट को हम लोग कॉर्डन करके, इनिशियल करीब आधा घंटा फायरिंग हुआ, इनिशियल हम लोग 3 घर को कॉर्डन किए थे, बाद में 17 हाउसेस को कॉर्डन में लाए, और अभी तक लगभग 15-16 घर सर्च हो चुका है, 2-3 घर बाकी रह गया, उसको दोबारा सर्च करेंगे।
दो संभावना है, या तो इनिशियल फायरिंग के टाइम भाग गया हो या किसी इस घर में हाइडेड हो उसके अंदर हो। इसलिए अभी हम लोग कॉर्डन को नहीं हटा रहे हैं, कॉर्डन जारी रखेंगे और उसको दोबारा सर्च करेंगे। इसके बाद चूँकि कल मुझे भी 6 मंथ पूरा हो गया है, इस 6 महीना में जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जहां तक टेररिस्ट की बात है कि लगभग 118 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 11 जो है वह पाकिस्तानी एफटी है और 107 मिलिटेंट्स है ये लोकल है। जहां तंजीम की बात करेंगे तो 118 में से 57 मिलिटेंट्स है ये एचएम का है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है लश्कर तैयबा का, 24 लश्कर तैयबा का है, और जैश मोहम्मद का 22 है, एजीएच का 7, आईएसजे का 7 और अल बदर का एक सिंगल मिलिटेंट मारा गया है। ऑलमोस्ट 50% मिलिटेंट्स है यह एचएम का है। इस 6 महीना में जो टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, कमांडर क्या कहेंगे, अपने अपने जो तंजीम का चीफ था, एचएम का रियाज नायकू, एलिट का हैदर, जैश मोहम्मद का कारी यासिर, एजीएच का बुरहान कोका, और उसके अलावा 2 बड़े फेमस मिलिटेंट मारे गए हैं, नोटोरियस टाइप के थे, फौजी जो एक्सपर्ट थे आईडी का, और दूसरा एचएम का पोस्टर बॉय और हुर्रियत का लीडर का बेटा जूनिस सराई, आप सब जानते हैं, जो कि लोगों को खासकर यूथ को मोबिलाइज करने में, रिक्रूट करने में, फंड्स इकट्ठा करने में उसका बहुत रोल था। हम लोगों का जो मेन टारगेट है, अभी आने वाले 2 महीना का जो टारगेट रखे हैं उसमें हम लोग जैश मोहम्मद के जो लंबू के नाम से फेमस पाकिस्तानी है, अदनान भाई भी कहते हैं, वह मेरा टारगेट नंबर 1 पर है। दूसरा वलीद भाई है, जैश का कमांडर है, आईडी एक्सपर्ट भी है। और तीसरा है गाजी रशीद, जो खिरी के ऊपर आता है, कहा जाता है कि जो पाकिस्तान इसको नया भेजा है, यह कोई पाकिस्तान के एक्स आर्मी मैन है और ये जैश का चीफ है। लश्कर तैयबा में हम लोग उस्मान का नाम रखें, उस्मान भाई का, जो आज के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, ये सोपुर एरिया में एक्टिव है। उसके बाद सोपुर का सज्जाद है, एलिटी का लोकल, आप सब जानते हैं, बहुत पुराना मिलिटेंट है, ये भी टारगेट में है। इसफाक डार है सोपियन का, जो इसके बाद है यूसुफ कांत्रू है बडगांव का, ये भी मैं टारगेट में टॉप 5 में है। और उसके बाद एक और सोपुर का मिलिटेंट है बहुत है, जो कि सीआरपीएफ पर यह तीसरा हमला किया है, इस पहले हनवारा सोपुर में किया, फिर हनवारा में, आसिफ सोपुर में नासिर है, ये भी हमारे टारगेट में है। एचएम का हम लोग मिलिटेंट में 4 को रखे हैं टॉप टारगेट में, डॉक्टर सैफुल्ला जो उनके चीफ हैं, उसका फारूक नली जो कुलगांव का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, तीसरा है अशरफ मौलवी, आप सब जानते हैं, और चौथा है जुवेर वानी। जुवेर वानी के खिलाफ बहुत सारे कत्ल का, खास के कॉप किलिंग का चार्जेज है। ये जो मिलिटेंट्स हमारे हैं टॉप टारगेट है, लगभग 12 है, 12 है टॉप टारगेट, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज बहुत जल्दी करेंगे। इस साल जब हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल इस साल के रिक्रूटमेंट में, तो 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी। इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है, तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए, सोसाइटी के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस 67 में भी हम देखेंगे तो लगभग 24 जो है वह इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हो गए, 12 उसमें से अरेस्ट हो गया, बाकी फील्ड में है। और उनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि अपने बच्चों को वापस लाए और उनको समझाए, अगर कोई आगे आके लाता है पेरेंट्स को तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सरेंडर ले लेंगे हम। लोगों में एक भ्रांति और है, एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, मैं पिछले 6 महीने देख रहा हूँ कि जितने इनकाउंटर्स हो रहा है उसमें छोटा हथियार से पिस्टल मिलता है। डाटा शो करता है कि जो इनकाउंटर में 118 मिलिटेंट मारा गया और इनकाउंटर में 121 हमको हथियार मिला है। आप उसका जो रिकॉर्ड देखेंगे, मैं आप लोग शेयर करता हूँ, आप जाकर थाना में भी चेक कर सकते हैं, क्राइम ब्यूरो पोर्टल पर भी देख सकते हैं कि आप करीब इसमें से 121 में से 62 AK-47 है, 9 है जो बड़ा हथियार है, हथियार आपका SLR है, इंसास 4 है, M4FL 1 मिला है, पीका गन जो पहले 90s में मिलता था आज भी 1 मिला है, और फ्रेश कुलगा से पिस्टल टोटल 44 है,
कहने मतलब कि 121 हथियार में से 44 सिर्फ पिस्टल है, तो आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि बड़ा हथियार जो है अभी भी 55% है, सिर्फ 45% जो है छोटा हथियार पिस्टल है। पिस्टल को कम नहीं रखना चाहिए। आप देखिए जितना भी इंसिडेंट होता है, सिटी में होता है, चाहे बिजबारा में जो अटैक हुआ था, चाहे सौरा में BSF पर हुआ था, चाहे फ्रीसेल ने पुलिस वाले को मारा था, छोटा हथियार जो पिस्टल होता है इससे मिलिटेंट्स भीड़ भाड़ इलाके में जाके छिपा के हथियार को अटैक करने में कामयाब होता है। इसलिए पिस्टल हमारे लिए ज़्यादा सरदर्दी है। ये जो 121 हथियार मिला है, बड़ा हथियार हमको लोग, उसमें इसके अलावा जो हम लोग कभी 66 मॉड्यूल को बस्ट किए हैं मिलिटेंट्स के, उसमें हमको 66 अलग से मिला है हथियार मिला है। उसका ब्रेकअप है कि 21 AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और 42 पिस्टल, मतलब कि 187 हथियार हम लोग सीज किए हैं इनकाउंटर प्लस मॉड्यूल में जो अरेस्ट किए हैं उसमें। ऑलमोस्ट 200 के आसपास हथियार हम लोग सीज किए हैं। 22 हम लोग हाइड आउट को बस्ट किए, जो आप लोग रेगुलर देखते हैं मीडिया में आता है, पिक्चर आता है, कहीं सामान मिलता है, कहीं उनका खाने पीने सामान होता है। और टारगेट हम लोग है कि इस सबर में उनका जितना भी हाइड आउट मिलेगा उसको निकाल के खोज के उसको डिमोलिश कर देंगे उसको। 22 हार्ड कोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए, जिसमें कि टॉप कमांडर नवीद भाई है, जो कि हमारे एक DSP के साथ पकड़ा गया था पूरा। 309 OGW, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट ऑफ मिलिटेंट्स, उसको अरेस्ट किए हैं। दुख की बात है कि कुछ सेलिंग में, कुछ मिलिटेंट के अटैक में अभी तक 15 जो सिविलियन है उनका डेथ हुआ है। हम लोग बड़ा अफसोस है हम लोग, लेकिन खुशी की बात है कि इनकाउंटर साइट पर लॉ एंड ऑर्डर में पिछले 6 महीने में एक भी सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा हम लोग पूरा, चाहे रियाज नाकू इनकाउंटर हो या बुरहान कोका, उसमें हम लोग को कुछ पैलेट यूज करना पड़ा था, लेकिन हम लोग फायरिंग का यूज नहीं किए पूरा। ये जो 22 जो मारे गए उसमें 2-3 सेलिंग मारे गए हैं पाकिस्तान से सेलिंग करने में, बाकी मिलिटेंट की गोली से मारा गया, हमारे गोली से कोई नहीं मारा गया है। हम लोग को, पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को इस पर गर्व हो रहा है और आगे भी इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे हम लोग। सोशल मीडिया एक आजकल खास, जिसको हम लोग ऑनलाइन टेररिज्म बोलते हैं, वर्चुअल टेररिज्म बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत सरदर्दी है। मिलिटेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया के थ्रू करता है, ऑनलाइन करता है, और रेडिकलाइज लड़कों को करता है, इंस्टिगेट करता है, जिसे आज किया है पूरा। और इसमें कुछ हमारे लड़के जो यूथ हैं उसके बहका में आके वो भी उसको रिट्वीट करते हैं या उसको अपलोड करते हैं झूठ कहानी। इसमें 21 FIR लॉन्च किए अभी तक हम लोग किए, और चूंकि इस टाइप के क्राइम में हम लोग को फेसबुक ट्विटर को लेटर लिखना पड़ता है, वहाँ से फिर लेटर आने में देर होता है, वहाँ से जब लेटर आ जाएगा कन्फर्मेशन फीस को अरेस्ट करके हम केस को चलान करेंगे। इसलिए अरेस्ट करने का जो रेशियो कम है, 21 FIR में सिर्फ 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी को भी मतलब जो कि आइडेंटिफाई कर लिए थे, बाकी को भी अरेस्ट करेंगे। लोगों के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोचे थे कि ऑपरेशन भी ज़्यादा करना है लॉकडाउन के बाद, लेकिन जो कोविड जो है, वायरस जो है, ये नहीं फैले, इसके लिए हम लोग जो डिसाइड किए थे नया SOP कि जो मिलिटेंट्स के डेड बॉडी को उनके फैमिली को नहीं देंगे और उनके गाँव में नहीं विड्रियल करेंगे। इसका पर्पस एक ही था, जब वहाँ विड्रियल होगा तो लोग घर से बाहर निकल जाएंगे। दो ही चीज़ है, या लोगों को छोड़ दे दें कि वायरस फैलने के लिए, या उसको रोकें तो हो सकता है उनको फाइटिंग करना पड़ता है या फिर और फर्दर किलिंग होता है। इस दो चीज़ को रोकने के लिए हम लोग डिसाइड किए थे कि वहाँ पर नहीं, घर वाले को नहीं देंगे, और उसका DNA सैंपल लेके पोस्टमार्टम करा के हम लोग कि बारामूला में हो या हंदवाड़ा या सोनमर्ग एरिया में आइसोलेट प्लेस में कराएंगे। उसमें अभी तक हम लोग 79 मिलिटेंट्स का डेड बॉडी जो है उसको दफना है, मजिस्ट्रेट के सामने के वीडियोग्राफी कराए हैं उनका, उनके फैमिली मेंबर भी हैं। सिर्फ 4 डेड बॉडी जिसमें फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पे, 79 में से 4 है जिसको कि हम लोग नहीं जानते, बाकी को फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई किए। हर एक फैमिली से 3-4 मेंबर गए हैं उनके प्रेजेंस में, उनके पार्टिसिपेंट में उनको लास्ट रेट किया गया है। मैं आवाम से बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाम का कि इसमें आवाम बहुत पार्टिसिपेट कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों से फीडबैक आता है, ओपन में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग को फ़ोन करता है, आके मिलते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा डिसीजन लिया ये, इससे हम लोग बहुत बच गए हैं। फ्रेंड्स, मिलिटेंसी से अगर सेकंड नंबर पर कोई क्राइम इंपॉर्टेंट है वो नार्को है। नार्को का 2 एस्पेक्ट है, एक तो नार्को टेररिज्म का है जो मिलिटेंसी से डायरेक्ट लिंक है, दूसरा है जो हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है।
जब कल हम रात डाटा तैयार कर रहे थे, हमको भी देख के बहुत खुशी हुआ कि हम लोग बहुत कार्रवाई करते हैं लेकिन उतना मीडिया में इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। 6 महीने में 304 केस रजिस्टर हुआ है जिसमें 496 ऑलमोस्ट 500 के लोग अरेस्ट किए हैं। 22.56 सारे 22 केजी हम लोग हेरोइन को सीज किए जिसका मार्केट वैल्यू कम से कम 200 करोड़ रुपया है इसका। इसी ढंग से हम लोग 21 केजी हेरोइन सीज किए हैं, 200 केजी चरस सीज किए हैं, 32 केजी कैनबिस किए गए, फुकीज भी किए लगभग 700 केजी किए हैं, भांग पॉपी स्ट्रॉ भी लगभग 1275 है, करीब 10,000 बोतल हम सिरप सीज किए जो हमारे यूज करते हैं, करीब 22,000 टेबलेट कैप्सूल यूज किए जो हमारे यूज इसको यूज करते हैं, इंजेक्शन करीब 100 और कैश में जो कैश अमाउंट जो हम लोग सीज किए हैं वो 1,37,00,000 1.37 करोड़ सीज किए हैं। इसमें बहुत दो बड़ा मॉडल जो अभी तक बहुत सबसे बड़ा है कुपवाड़ा का भी है, हंदवाड़ा का है। पहला केस जो हंदवाड़ा का था जिसमें हम लोग के करीब 21 केजी हेरोइन जब्त किए थे और 1,35,00,000 रुपया एनआई का ऑर्डर हो गया है, 2-3 दिन एनआई से को हैंडवर्ड कर देंगे। और दूसरा केस कुपवाड़ा का है उसको भी हम लोग एनआई को दे देंगे, एनआई टेकअप कर रहा है कि चूंकि दोनों बहुत सीरियस केस हैं, इसमें इंटर स्टेट इंटर कंट्री जो पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है, मिलिटेंसी भी एंगल है, पंजाब हरियाणा दिल्ली मुंबई के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, अपने यहाँ के कुछ लोग हैं, एनआई इसको ठीक से कर पाएगा। और जो हम लोग को दिक्कत आ रही है वो है कि जो हमारे यूथ अभी भी है, कल भी हमारे पास कुछ शहरी मिलने आए थे ऑफिस में, उसमें एक वकील साहब भी थे, बोले थे कि यहाँ कुछ टाउन के कुछ एरिया है जहाँ पर कि कुछ लड़के खास लड़कियाँ ड्रग्स बेचती है, उसको वेरीफाई किया हम लोग तो ये बात सही है। मैंने SHO को बुला के सैदगंज को हुक्म दिया उनके सामने कि आप जितना लेडी कांस्टेबल को डिप्लाई करके कोबर्ट में जैसे उन लोगों को पकड़िए, हम लोग आने वाले दिन में इसको बड़े पैमाने पर एक्शन लेंगे। स्कूल कॉलेज के आगे या मार्केट प्लेस में जहाँ भी आसपास में कोई दुकानदार ये बेचता हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कुछ को हो सकता है PSM बुक करना करेंगे, क्योंकि ड्रग्स से सिर्फ फैमिली नहीं परेशान होता, सोसाइटी बर्बाद होता है और मिलिटेंसी को इसमें और इसमें ऑक्सीजन मिलता है, उसमें से कुछ ड्रग्स एडिक्ट लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है जो हमारे लिए सोसाइटी के लिए बहुत हमदर्दी है। थैंक यू सर। जो एक सिविलियन की डेथ हो चुकी है सर राजमारी में, सर वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं सर और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ वीडियोज भी वायरल, क्या सर वो गलत है वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोज? देखिए जो वीडियो की बात है, जो उसका बेटा जो है रिलीज किया है वो सोपुर में आज नहीं है, सुबह से उस श्रीनगर के आसपास कहीं है, श्रीनगर से वायरल किया है। SHO को मैंने भेजा उनके घर, उनके उनके फैमिली भी बात हुआ है कि बोला ये मेरा बेटा बेट किया है, उनको किसी मिलिटेंट का थ्रेट आया कि ऐसा करो, मिलिटेंट के बहका में किया है, डेड में प्रेशर में किया है, उनको कैसे पता है कि CRP ने गाइस निकाल के उसको गोली मारा, यहाँ श्रीनगर से बैठे कैसे देख लिया पूरा। अगर कोई आई विटनेस है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सामने आए, ये टोटली गलत है, फेक न्यूज है, ऐसा CRP इनफैक्ट के CRP पुलिस ने अच्छा किया उनको बचाया वहाँ, छोटे बच्चों को गोदी में लेके ऐसा चो खा सके लेके बचाया। जी जी पार्डन हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं आप लोग भेजिए, मेरे पास मोबाइल भी, मैंने SHO SP साहब को भी मैं फॉरवर्ड कर दिया। नहीं नहीं इस पर रिपोर्ट कर सकते कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम तफ्तीश करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट की ये फोटो किया कोई फोटो इनफैक्ट की जब हमारे CO साहब का जो शहीद हो गए थे हनवाड़ा इनकाउंटर में, वो एक गलत फोटो उसमें रिलीज कर दिया कि चेस्ट में सिंगल गोली लगा, जब उसका फोटो नहीं था, हम लोग पहले घबरा गए थे कि सिंगल गोली कैसे लगा, जब फोटो देखे तो उस CO साहब का फोटो नहीं था। इस टाइम से मिसक्रिएंट लोग ऐसा काम करते हैं सर, लेकिन इसके से तो ऑप्शन भी शेयर कर रहे हैं तो माइनर का बिल्कुल, अगर जो भी किया है कार्रवाई करेंगे हम लोग करेंगे, मैंने कि आइडेंटिटी को किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी का भी हो, अगर किसी इनकाउंटर मिलिटेंट का अगर डिफेस हो गया हो या मान ली कि कभी कभी होता है कि घर में वाला जल भी जाए तो ये भी फोटो रिलीज करना क्राइम है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे अनरेस्ट फायदा होता है लोग में, कुछ लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए,
जो किया है उसको उसको खोज के कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें हम लोग बहुत कंट्रोल किए, आगे भी करेंगे। अभी जो यूनिफाइड कमांड मीटिंग हम लोगों का होगा जिसमें हर एक फोर्स रहते, खास के इनकाउंटर पुलिस सीआरपी आर्मी बैठ के हम लोग लोअर रैंक पर, इनफैक्ट किए गए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोग मोबाइल अलाउड नहीं करेंगे, इनकाउंटर साइट पर कोई जा रहा हो तो मोबाइल ले क्यों जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होता है। आप मिलिटेंट को फाइट कर रहे पीछे घर से फ़ोन उठाएंगे, आपको एक्शन अगर रुक गया तो खतरा उसको मिलिट्री मार सकता है टोटली। आप देखे होंगे कि 2018 में जितना भी सेंट्री मारा गया था क्या करता था, वो रात में अंधेरा में मोबाइल से बात कर रहे हैं, मिलिटेंट दूर से देखता था हेडशॉट करता था। मोबाइल ले जाना इनकाउंटर ऑपरेशन में टोटली गलत है, मैं इस पर रोक बोल लाऊंगा। देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल से हम यहाँ खड़े हैं ठीक है, यहाँ दो बच्चा है, आप वहाँ हैं, इधर से फायर इधर आ रहा है, क्या आप वहाँ आके बच्चा को उठा के ले जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, बच्चे के बेटे आ जाओ, क्योंकि कोई भी आदमी किलिंग जोन में जाके किसी को रेस्क्यू नहीं करता, ये गलत फहमी हटा दीजिए। ये तो मेरा एसएचओ हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी कमांडो हो, जहाँ फायरिंग गिर रहा है बुलेट वहाँ जाके नहीं हटाएगा वो पूरा, इसीलिए जाते किसी जगह एक्सेस ब्लीडिंग से डेथ होता है फोर्स का। अगर यहाँ फायरिंग हो रहा है, यहाँ डेड बॉडी या बच्चा यहाँ पर है, आप बुलाए रेस्क्यू करने आए, तो वहाँ से बच्चा किलिंग जोन से हटा के उसको रेस्क्यू करेंगे, वहाँ के नहीं करेंगे, उसको गोली लग जाएगा पूरा, ये तो अंडरस्टूड है। जहाँ तक मॉस्क के मिस यूज करने की बात है, मैंने पहले कहा था, मैं इसमें आवाम से अपील करता हूँ, खासकर मस्जिद के जो इंतजाम कमेटी भी इंटरफेयर करे कि किसी भी मिलिटेंट्स को उसमें नहीं घुसने दे, और सोशल प्रेशर बड़ा होता है, और इसमें पुलिस में हम भी इसमें पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे उस एरिया में, और इसमें आवाम का सहयोग बहुत मैटर करता है, क्योंकि इतने मॉस के हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग नहीं बढ़ा सकते हैं, वहाँ बढ़ाना भी खतरा है वहाँ पर है, तो उसमें हम लोग आवाम की हेल्प लेके उसको रोकेंगे। दो हाँ, जब फायरिंग के जो हुआ है, इनफैक्ट हमको अभी एक मीडिया कलीग्स फ्रेंड फोन कर रहे थे कि हनवारा में जो हुआ था जिसमें सीआरपी के 3 शहीद हो गए थे, वहाँ भी एक जो 14 साल का लड़का था उनको ही गोली लग गया था। मैं ये मैंने पहले कहा कि मिलिटेंट जो है सिविलियन का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, वो चाहता है एक तीर से एक मैंने दो शिकार करे, एक तो सिक्योरिटी फोर्स सीआरपी जो पुलिस है वो टारगेट हो, दूसरा सिविलियन किलिंग हो जाए तो लॉ ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक साथ दो टारगेट कर रहा है। भीड़ भाड़ हम लोग भी एसपी थे तो उस टाइम में जाकर कभी मिलिटेंट भीड़ भाड़ जगह में अटैक नहीं करता था, आजकल कोई नहीं, नहीं बच्चा को देखता है, नहीं औरत देखता है, नहीं किसी और देखता है, सिविलियन देखता है पूरा। सर आपसे आपकी बात की, एक फोटोग्राफ आई है, ये जो सिविलियन है ये गाड़ी के आगे पड़ा है, लग रहा है कि जब उसको गोली लगी इसको टाइम के लिए उठाया गया नहीं तो इसकी पूरा देखिए जो ये मैं मानता हूँ। देखिए जब मैंने आप क्लियर बोला, जब फायरिंग कंटिन्यूस हो रहा हो तो उस ज़्यादा नज़दीक जाने में लोग डरता है। इनफैक्ट कि आप देखते हैं कि मिलिटेंट के आप लोग पूछते हैं कि मिलिटेंट हम क्या बोलते हैं आपको कि मिलिटेंट विजिबल है, दिख रहा है दूर से, लेकिन डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया, मतलब कि वहाँ नज़दीक कोई जाने से डरता है पूरा। सिविलियन के डेड बॉडी रखा हो, मिलिटेंट का हो, सिक्योरिटी फोर्स का हो, नज़दीक जाने में चूंकि फायरिंग आ रहा हो। ये जो दोनों मिलिटेंट था, हाईली ट्रेन मिलिटेंट था, उसमें उस्मान भाई पाकिस्तान एलिटी के कमांडर है, उसके मस्जिद से भागने के बाद भी बगीचा में एंगेज किया कुछ देर, उस टाइम में चूंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ का नंबर कम था, पुलिस का नंबर कम था, वो जो फोर्स था देखिए एक शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए, बाकी बहुत कम बचा था, नाका पॉइंट का था, अगर ज़्यादा अगर फोर्स आता उसको मस्जिद के अंदर इंसर्कल कर लेते हम लोग, तो काफ़ी फायरिंग वॉल्यूम फायरिंग काफ़ी फायरिंग किया, इसलिए हो सकता है उस फायरिंग के दरमियान में हमारा पुलिस वाला वहाँ जाके उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया हो, लेट हुआ हो, एक्सेल ब्रीडिंग चलते डेथ हो गया हो, लेकिन हम लोग एजम्पशन मानते हैं, एज्यूम करते हैं, सच्चाई क्या है ये पोस्टमार्टम के में आएगा कि कितना देर के बाद डेथ हुआ है। पार्डन, मैंने आपको पहले बोला था मस्जिद में दो हमारे एसएचओ गए,
दो मैगजीन मिला, एक मैगजीन पूरा 30 राउंड इंटैक्ट है, एक आधा खाली है। सर सर आया आपके पुलिस के ट्विटर हैंडल से पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए गए, क्या आपको नहीं लगता एक बच्चे के पिक्चर्स को उसको यूज किया पीआर एक्टिविटीज के लिए पुलिस ऑफिशियल उस पिक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं? सो एक एक माइनर के हिस्से से माइनर का पिक्चर सोशल मीडिया पे पहली बार अपलोड ही होना है, उसके बाद नहीं नहीं ना शेयर करें, पहले तो आप लोग शेयर किए हैं पूरा, आप लोग करते हैं पूरा नहीं देखिए और उस फेस मैंने पूरा दो तीन बार देखा, उसमें बच्चा का फेस नहीं दिख रहा है, बच्चा गोदी में है उसका फेस नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि देखिए कुछ अच्छा काम को मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा काम को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव काम को, तब सोसाइटी में चेंज आएगा परसेप्शन। हम लोग सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं, हम लोग नेगेटिव का अच्छा काम जो पुलिस करती है उसको भी दिखाना जरूरी है। हम लोग का भी कोई रिटर्न नहीं आया, आएगा तो मैं बता दूंगा। सर आपने कहा सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे आप उसको बंद? नहीं सोशल मीडिया नहीं है, जो ऑनलाइन मिलिटेंसी जो बोलते हैं वर्चुअल मिलिटेंसी, जिसमें आपका टीआरएफ हो गया है, टीआरएफ जैसे कोई मिलिटेंट आउटफिट नहीं है, जैसे एचएम होता है, एलईटी होता है, जेस होता है, एक ऑनलाइन वर्चुअल है जहाँ कोई अटैक होता है, कोई तंजीम करता है ऑन कर लेता है। इसी टाइम से बहुत सारे एक्टिविटी जो हो रहा है जिसको हमको टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर डालते हैं, इसमें सोशल मीडिया का बहुत यूज, उसको इसलिए बोलते 19 केस रजिस्टर किए हैं, 3 को अरेस्ट किए, बाकी को भी अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। नहीं नहीं उतना नहीं था, आप ठीक से पढ़े नहीं हो। एक तो उनकी माँ जो थी, उनका जो भाई है जो एचएम का बड़ा कमांडर है, जो कि 2015 से एक्टिव है, आप सब जानते हैं अवासे को, पुराना ओल्ड वन ऑफ ओल्डेस्ट यह अभी मिलिटेंट है। दूसरा उसका बेटा जो था तोसीफ, वो इनकाउंटर मारा गया था। इनका फैमिली बैकग्राउंड है, इनकी माँ को बुला के, चूँकि केस रजिस्टर हुआ था 2018 में, दो तीन बार एसएचओ ने बुला के काउंसलिंग किया, एसपी साहब ने समझाया कि आप ये काम मत करो, फिर भी नए लड़कों को मोटिवेट करने में रिक्रूटमेंट का बहुत रोल है। और दो हमारे एविडेंस मिला है, दो इनकी माँ के खिलाफ मिला है, इसके बाद उसको केस को चालान करना था तो उनको अरेस्ट करना जरूरी था पुराना केस में। नया केस अभी चल रहा है जिसमें दो लड़कों को भर्ती कराई है, जिसका टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है, वो बाद में उसको चालान करेंगे हम लोग। अभी भी लार्जेस्ट ऐसा एचएम है नंबर वाइज, आपको टोटल कश्मीर में आपको अगर हम मान लें तो 160 to 170 मिलिटेंट है, जम्मू का आइडिया नहीं मुझे, ये आर्मी ऑफिसर बताएंगे इसके लिए। थैंक यू।